समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल और गुने ऊंचाई। इसी फार्मूला का उपयोग करके हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। इसमें जो है चीज नहीं दिया रहेगा, इसमें पांच चीज है। जानिए ए जो देख रहा है ना, ए क्या है? वो क्षेत्रफल है। ए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ये समांतर भुजाएं ए और बी देख रहे हैं, ये समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं। और एक्स जो देख रहे हैं ना, ये ऊंचाई है। अब एक सवाल में, इस सवाल को बनाने के लिए चार चीज में कोई भी तीन को चीज दे देगा आपको, और कोई एक चीज कहा निकालने के लिए फार्मूला आपको यही वाला लगाना है। तो इसमें चार चीज में से तीन चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना रहेगा ना, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, यानी ए दे दिया है। कितना दिया है? तो 580 मीटर स्क्वायर। इसकी समांतर भुजाएं यानी कि ए 15 मीटर, बी 20 मीटर दिया है। आकार की ऊंचाई निकाली, इसका ऊंचाई पता नहीं है निकालिए। यानी सवाल एकदम सिंपल हो गया, सवाल एकदम सिंपल हो गया कि समलंब चतुर्भुज है, इसमें ए दिया हुआ छोटका ही यानी 15 सेंटीमीटर यानी 15 मीटर, ए 20 मीटर, ऊंचाई बीच का पता आपको नहीं है, और सबका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने सब जितना एरिया होता है, सब ये एरिया जो होता है क्षेत्रफल का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ एरिया? 500। तो आराम से इसकी ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। उसकी ऊंचाई निकालना, ये कितना होगा ये निकालना है। फार्मूला हमको यही लगाना है क्या, क्योंकि ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यही फार्मूला आपको लगाना है। कैसे बना लीजिए देखिए, जरा ध्यान से देखिए, समझिए इसको। इसका एरिया कितना दिया हुआ देखिए, 580 यहां रख दीजिए सामने सामने, 1/2 के सामने 1/2 लिख दीजिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दीजिए, ए के सामने ए का मान रख दीजिए प्लस बी के सामने बी का मान रख दीजिए, और एच के सामने आप एच लिख दीजिए खाली। देखिए इसमें आराम से देख रहे हैं कि एच हमको पता नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? इसको 580 ऐसे ही लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 35 अगुणे एच। अब देखेंगे कि 2 एनकारी बटा में भाग है, बटा में होता है इसका मतलब भाग होता है, एनकारी आके गुना हो जाता है, तब 580 गुणे 2, और ये 35 जो गुना है एनकारी आके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। एनकारी क्या बच गया, यानी कि 2 से गुना करके 35 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 से गुना करते हैं, 0 का 0 हो गया, 8 × 16 का 6, हासिल 1, 5 × 10 11, अब बटा 35 हो गया बराबर एच हो गया। अब 1160 में 35 से भाग कर देंगे तो 35 गुना होता है 70, अब 35 या 70 के 105 कुछ करीब में आएगा, तो 3 से लगा देते हैं, 3×5 15 के 5 हासिल 1, 3×6 105 आ गया। ये घटेगा तो हो जाएगा 1 1, ये कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, फिर 3×5 लगाएंगे तो आएगा 105, दशमलव देख के 0, 1×5 लगाएंगे 35 आएगा, 15×5 देख के 0, फिर लगाएंगे 4×5 में तो 140 हो जाएगा, हो जाएगा 10। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, वह हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, हो गया आंसर मेरा हम लोगों का 33.14, यही उसका ऊंचाई हो गया। तो हम ऊंचाई निकाल ली, निकल गया ऊंचाई हमारे पास, ऊंचाई कितना निकल गया लास्ट में लिखेंगे। अतः समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज
की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई जो है वो कितना है 33.14। बहुत आसानी से देखिए वही फॉर्मूला में बना है। कितने बच्चों सवाल नंबर दो, इसमें जो दिया है पहले उलिखते हैं। सवाल बनाने का नियम होता है क्या क्या दिया है उलिखिए, क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है समांतर भुजाएं, यानी कि ए दिया हुआ है कितना 20 मीटर, बी दिया हुआ है कितना 30 मीटर, क्षेत्रफल दिया है कितना इसका 580 मीटर स्क्वायर, ऊंचाई इसका निकालना है। वही सवाल, ये सवाल भी उसने है, इसमें भी ऊंचाई निकालना है ना। चलिए वही से उसने सवाल है सेम टू सेम। देखिए बनाने का प्रोसेस वही रहेगा सेम टू सेम। ए बराबर होता है 1/2, बोलिए 1/2, ए बराबर, ए माने क्या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या ए बाय टू इंटू ए प्लस बी इंटू एच। यही फॉर्मूला है, इसी पे रखना है सबका मान। कैसे रखेंगे देखो, बस उसके सामने सामने रखना है, ए के सामने ए का मान रख दो, बराबर के सामने बराबर, 1/2 के सामने 1/2, ब्रैकेट के सामने ब्रैकेट, ए के मान रख देंगे यहां पर 20, प्लस के सामने प्लस, बी के जगह पर रखेंगे उसका 30 मान जो दिया वो, और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो ऊंचाई का एच लिख देंगे, बस इतना सिंपल काम। वो अरे आगे बैठ के काला उसे खुश खुश वाला देखा ना, देखा। अब एक जोड़ देंगे तो 30, 20, 50, आई दूसरे कट जा रहा है 25 हो जाएगा, ये कट भी गया अच्छा बात है। अब ये निकाली 25 गुना है आएगा तो अब भाग हो जाएगा 580/25 बराबर एच। अब कुछ नहीं करेंगे, 580 में 25 से भाग कर देंगे, जो नीचे रहता है उसे भाग देना पड़ता है, ये नियम होता है, सब सवाल का ही नियम होता है, जो नीचे रहता है उसका मतलब है कि भाग लगेगा। 25 से लगाएंगे तो 2 मरतबे लगेगा, तो हो जाएगा 25 × 50, और यहाँ पर होगा 8, 0, 25 × 75, 5 दशमलव देके 0, 25 × 50 कट जाएगा। तो हम आराम से यहां पे देख रहे हैं क्या कि एच का मान जो निकल गया वो कितना निकल गया 23.2 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। देखिए ध्यान से, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई लिख लेंगे 15, समांतर भुजा में से ए चाहे बी कोनो एगो लिख लो, कितना दिया था 20 मीटर, ए मान लेते ये है, अब बी पता इसमें नहीं है, क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, अभी सवाल में देखने से एकदम समझ में आ रहा है कि भैया इसमें ऊंचाई देले है, एगो भुजा देले है और एगो क्षेत्रफल देले है, तो इसके जो बी है ना यानी समांतर भुजा में से एगो और था वो निकालना है। फॉर्मूला वही लेंगे, बोले ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, फिर वही किस बात करना है, ए के सामने किसका मान रखेंगे, ए का, ए का मान कितना दिया हुआ है, बोलिए कितना दिया हुआ है, छोटका ए का मान कितना दिया हुआ है और बी का मान तो नहीं दिया, तो क्या करेंगे उसे लिख देंगे, और एच का मान कितना दिया हुआ है ऊपर दिया 15, बस इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले ये देखना है कि 2 ने भाग नहीं आएगा तो गुना होगा, तो 500 गुणे यहां पे भी गलती हो जाता, कितना बचा से 2 जो है ना, 2 इधर भाग है गुना होगा, तो 500 गुणे 2
बराबर आई 15 इन्हें करे गुना इन्हें आए तो भाग होगा, इन्हें करे होगा 20 प्लस बी, इधर काटे दीजिए उसको, इसको सॉल्व कीजिए, 500 गुने इधर करेंगे तो होगा 1000, 1000 बटे 15, आई इन्हें प्लस इन्हें आया तो क्या होगा माइनस 20 बराबर। आज बट्टा पर के घटाव करना है, कैसे करेंगे, इसके बटा में क्या है, एक है, लघुतम कितना होगा इसका, ये तो 1000 रहेगा, आई गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 15 × 30, 1000 में से 300 घटा देंगे कितना आएगा, 700/15 बराबर बी, 700 में 15 से भाग कर देंगे आ जाएगा आंसर, 700 में 15 से भाग करेंगे तो 15 × 60 आएगा 10 0, 15 × 90 10 तो समझ देखे 0, 15 × 90 ऐसे ही भरेगा, कटेगा ही नहीं, तो बी बराबर हो जाएगा 46.666666 नहीं कटेगा, इसका मतलब बी बराबर निकल गया 46.6 आ रहा तो 7 दे देते हैं, तरीका होता है, तो इस प्रकार से इसका ऐसा इतना हो जाएगा, किसी का अगर इतना भी